हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम इंडिया वार। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो आज तारीख हो गई 5 नवंबर, दिन शुक्रवार, फ्राइडे, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ के अपडेट्स इस वीडियो में, और नज़र डालते हैं देश भर की तमाम 10 बड़ी खबरों पर। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो देर किस बात की, बिना टाइम वेस्ट किए लेकर चलते हैं आपको पहले अपडेट पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं साथी, प्रधानमंत्री मोदी जी देश के जवानों को मिठाई खिला रहे हैं। तो ये क्या घटना है साथी? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बार जो अपनी दिवाली है वो साथी कहां पर मनाई है? बॉर्डर पर। और जब प्रधानमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद जवानों के बीच पहुँचे तो पूरा क्षेत्र भारत माता की जय के नारे से गूंज उठा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मैं यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि आपके परिवार के सदस्य के नाते दिवाली मनाने आया हूँ। मैंने हर दिवाली हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों के साथ बिताई हैं। आज मैं अपने साथ जाबाज सैनिकों के लिए करोड़ों भारतीयों का आशीर्वाद लाया हूँ। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ थी। तो हमारे देश के सैनिकों के नाम एक लाइक ज़रूर बनता है। बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर, भी आपकी कहाँ से है? ये भी आपके बॉर्डर से है। आप फ्रेंड्स यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक साइड हमारे देश के सैनिक हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान की। तो क्या नज़ारा है भाई साहब, दोनों देश के लोग मिठाई दे रहे हैं। तो ये बात है कहाँ की? आपके दिवाली के मौके की। और ये अटारी और बाघा बॉर्डर पड़ता है आपका पंजाब में। तो वहाँ की ये तस्वीरें हैं साथी, दोनों देश के जवानों ने दीपावली के शुभ अवसर पर मिठाइयों का आदान प्रदान किया और एक दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएँ दी। यहीं पर आपको बता दें साथी कि पहली बार नहीं हुआ, जब भी कोई उत्सव होता है तो दोनों देश के सैनिक क्या करते हैं, एक दूसरे को मिठाई और शुभकामनाएं आदान प्रदान करते हैं। साथ ही चलते हैं आज के तीसरे बड़े अपडेट पर। तो साथ ही उन छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। तो साथ ही UP SSC द्वारा बहुत ही अच्छी न्यूज़ दी जा रही है, क्योंकि अभी आपके UP SSC PET का रिजल्ट आया है और इसी पर 22,794 सरकारी नौकरियों के लिए UP SSC जल्दी जारी नोटिफिकेशन जारी करेगा। दरअसल बात यह है कि 50,000 के करीब ग्रुप सी के पद खाली हैं, जिसमें आपका लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी ऐसे महत्वपूर्ण पद आते हैं, जिनमें से आपके 22,794 पदों पर जल्दी क्या होगा, नोटिफिकेशन जारी होगा। साथ ही अगली बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ आ जाती है आपके उत्तराखंड केदारनाथ से। आप सभी को पता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी आज कहाँ गए हैं, उत्तराखंड में गए हैं। तो यहाँ पर PM का शेड्यूल देख लेते हैं। तो सबसे पहले भगवान शिव की पूजा करेंगे हमारे प्रधानमंत्री, फिर गुरु शंकराचार्य के नवनिर्मित समाधि स्थल पहुँचेंगे, जहाँ समाधि का शिलान्यास और शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद करीब 400 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। केदारनाथ में आप सभी को पता होगा कि बाढ़ आई थी, तो वहाँ पर पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं, उनका निरीक्षण करेंगे और फिर एक सभा को संबोधित करेंगे। फ्रेंड्स, अगली जो न्यूज़ है वो अफगानिस्तान से है, वो मैच से रिलेटेड है आपके। आप सभी को पता होगा कि T20 2021 चल रहा है, तो वहाँ पर अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी 74 रन की पारी के दम पर रोहित शर्मा ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया भाई साहब। ICC इवेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा। तो बात करते हैं साथ ही इनके कितने रन हैं और किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो इन्होंने 3,682 रन बनाकर रूट नाम के खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जबकि तीसरे नंबर पर विराट कोहली हैं। बात करते हैं अगले न्यूज़ की साथी, तो अगली न्यूज़ भी आपके क्रिकेट से ही रिलेटेड है। T20 वर्ल्ड कप 2021 की बात कर लें साथी, तो इसमें भारत इस टूर्नामेंट में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली टीम बन गई है। भारत ने साथ ही इसमें 200 का आंकड़ा पार कर दिया है, और साथ ही ये जो किया है वो अफगानिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड बना है। तो इसमें बात कर लें तो KL राहुल के अर्धशतक और रोहित शर्मा के दम पर भारत ने 210 रन बनाकर ये स्कोर खड़ा किया है। अगली न्यूज़ की बात करें साथी, तो ये अगली न्यूज़ आ जाती है आपके ब्रिटेन से, और ये बहुत ही अच्छी खबर है, हम भारतीयों के लिए बड़े गौरव की बात है, क्योंकि जो यहाँ के वित्त मंत्री हैं ऋषि सुनक साहब, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दीपावली पर ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने महात्मा गांधी जी की याद में सिक्का जारी किया है। तो ये सिक्का साथी 5 पाउंड का है और इसमें महात्मा गांधी के जीवन और विरासत को रेखांकित किया है। तो कभी अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर शासन किया था और आज उन्हीं के देश में हमारे देश का महात्मा या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम का सिक्का चल रहा है फ्रेंड्स। तो ये हम भारतीयों के लिए बड़े गौरव की बात है। अगली बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ साथी, तो बिहार में 23 की मौत हो गई है साथी, जहरीली शराब पीने के कारण।
तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो लोग शराब के आदी हैं, तो उन तक ज़रूर शेयर कर दें कि ऐसा भी हो जाता है भाई साहब, जहरीली शराबें भी आ जाती हैं। और दोस्तों कहा जा रहा है कि इसमें 14 लोगों की हालत बड़ी गंभीर है और ये सब दिवाली के शुभ मौके पर हुआ है। तो भाई साहब यहाँ पर मातम का माहौल बन गया है, तो अगर आप लोग पी रहे हैं तो उसको छोड़ दें। अगली बात करते हैं साथी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो कि आपके दिल्ली से है। साथी दिल्ली में एयर पॉल्यूशन को लेकर काफ़ी दिक्कतें होती रहती हैं हमेशा, तो गंभीर स्थिति पर पहुंच गई है दिल्ली एनसीआर की हवा। साथी दिल्ली में विषैली हुई हवा, देर रात तक लोगों ने पटाखे जलाए साथी, तो धुंध की मोटी परत ने दिल्ली की हवा को विषाक्त कर दिया है। अगर बात करें तो साथी यहां पर क्या हुआ है, पिछले 24 घंटे में वायु गुणवत्ता में 13% की बढ़ोतरी हुई, जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है 314 पर पहुँच गया है और दिल्ली की हवा में सांस लेना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो फ्रेंड्स हम ही लोग इस पोल्यूशन के लिए ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पटाखे जलाना बंद करें, पर लोगों को क्या है, उनको मज़े से मतलब होता है। चलिए बात करते हैं अगले बड़े अपडेट की, जो कि आपके कोरोना से रिलेटेड है। फ्रेंड्स हाल ही में एक बहुत ही बड़ी जानकारी मिली है कि रूस में कोरोना का कहर नहीं रुक रहा। साथ रूस में कोरोना के मरने वाले सैनिकों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, एक दिन में रिकॉर्ड 1195 लोगों की मौत हो गई है, जिससे देश भर में दहशत का माहौल है। तो फ्रेंड्स इस टाइम भी अगर आपका वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो वैक्सीनेशन करवा लें और थोड़ा दूरी उरी का विशेष ध्यान रखें। अगली बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ उन लोगों के लिए जो बिजली कंपनियों में काम करते हैं, वो भी राजस्थान में। साथी तो ये राजस्थान सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छी न्यूज़ दी गई है। दिवाली पर राजस्थान सरकार ने 5 बिजली कंपनियों में काम करने वाले करीब 60,000 कर्मचारियों को बोनस देने का फैसला लिया। साथी इससे क्या होगा कि कंपनी पर कार्य करने वाले मजदूरों को पहले से ही बोनस के तौर पर सैलरी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ें थी। तो ओके दोस्त, इसी कड़ी में आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों और टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना, और आप अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि आपको रोज़ाना के ताज़ा अपडेट और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहें। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।